सीएए की आग में सुलगती दिल्ली को आखिर ये दिन क्यों देखना पड़ा? शाहीन बाग शांत हुआ तो उत्तर पूर्वी दिल्ली में कैसे भड़क उठी हिंसा की चिंगारी? देखते ही देखते उत्तर पूर्वी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कैसे फैलती चली गई हिंसा की आग? दिल्ली की सड़कों पर पत्थरबाजी, आगजनी, मारपीट, फायरिंग का मंजर कैसे आम बात हो गई? तारीख 22 फरवरी, वक्त रात के 10:30 बजे। उत्तर पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के नीचे धीरे धीरे सीएए के विरोध में महिलाओं की भीड़ जुटनी शुरू हुई। महिलाओं ने स्टेशन के नीचे एक तरफ की सड़क को जाम कर दिया और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। तारीख 23 फरवरी, वक्त सुबह के 9 बजे। जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के नीचे की सड़क बंद हो जाने से ट्रैफिक की आवाजाही पर असर पड़ा, जिससे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हालात को देखते हुए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से सड़क खोलने को कहा। इस बीच बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर लोगों से सीए के समर्थन में मौजपुर चौक पर जमा होने की अपील की। 23 फरवरी, वक्त 3:30 से 4 बजे। सीए समर्थकों की भीड़ के बीच कपिल मिश्रा ने भड़काऊ भाषण दिया, पुलिस को 3 दिन के भीतर सड़क खुलवाने का अल्टीमेटम दिया। 23 फरवरी, वक्त 3:45 से 4 बजे। बाबरपुर इलाके में सीएए समर्थकों पर कुछ लोगों ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। 23 फरवरी, वक्त 4 से 5 बजे। मौजपुर, करावल नगर, बाबरपुर और चांदबाग इलाके में हिंसा और बवाल शुरू हो गया। 23 फरवरी रात 9 से 11 बजे। करावल नगर, मौजपुर, बाबरपुर और चांदबाग के इलाके में उपद्रवियों ने कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया। तारीख 24 फरवरी, वक्त सुबह 10 बजे। 23 फरवरी की रात पुलिस ने हालात पर काबू पाने का दावा किया, लेकिन 24 फरवरी की सुबह 10 बजे सीएए समर्थक प्रदर्शन करते हुए सीएए विरोधियों के पास पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। 24 फरवरी, वक्त 12:01:30। दोपहर होते होते बाबरपुर इलाके में पत्थरबाजी शुरू हो गई। नकाब पहने उपद्रवी हाथ में तलवार लहराते हुए सड़कों पर उतर आए। बाबरपुर से शुरू हुई हिंसा करावल नगर, शेरपुर चौक, करदमपुरी और गोलकपुरी तक फैलती चली गई। 24 फरवरी, वक्त 2:30 से 3:30 बजे। भजनपुरा में बस समेत कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। पेट्रोल पंप में भी आग लगा दी गई। हिंसा में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई, जबकि डीसीपी घायल हो गए। 24 फरवरी, वक्त 7:30 से 8 बजे। सुबह से शुरू हुआ हिंसा का दौर रुक रुक कर रात तक चलता रहा। गोलकपुरी इलाके में टायर मार्केट को उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया। टायर की दुकानें धू धू कर जलने लगी। 24 फरवरी रात 10 बजे देर रात तक हिंसा और बवाल जारी रहा। रात करीब 10 बजे मौजपुर और घुंडा चौक में भी हिंसा और बवाल शुरू हो गया। मुनीश चंद्र पांडे, दिल्ली आज तक।